चले जी, डॉक्टर राफ्रा प्रैक्टिस कर रही है जी स्मियर मेकिंग. तो स्मियर मेकिंग इज द नंबर वन एसेंशियल प्रोसीजर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ग्राम स्टेन एंड जेडन स्टेन. इनको जरा बाहर रखो. सबसे पहले आपने जो भी गिवन स्पेसिमन है उससे आपने स्मियर बनाना है. लूप को आपने स्टरलाइज कर लेना है. बिल्कुल आप देखें किस तरह उन्होंने लूप को रखा हुआ है. रेड हॉट आप इसको करेंगे. जब रेड हॉट हो जाएगी दैट मीन्स इट्स स्टरलाइज. डिस्टिल वाटर का एक ड्रॉप उन्होंने स्लाइड के ऊपर रखा है. ठीक है, अब गिवन स्पेसिमन कैन बी ऑन द प्लेट. द गिवन स्पेसिमन कैन इवन बी इन एनी टेस्ट ट्यूब. हल्का सा वो टच करेंगे कॉलोनी को. देखें किस तरह वो कॉलोनी को टच करेंगे. और इसको अब आप डिस्टिल वाटर के अंदर आप उसकी एक इमल्शन सी बनाएंगे. ये बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्मियर. अ गुड स्मियर शुड ऑलवेज बी इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड. इट शुड नीदर बी वेरी थिक, इट शुड नीदर बी वेरी थिन, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिमन. और जब आपका स्मियर बन जाए तो फिर आपने स्मियर को हमेशा ड्राई करना होता है और फिक्स करना होता है. ड्राई द स्मियर, इसको हमेशा आप, एक कॉमन प्रोसीजर है कि ड्राई इट ओवर द फ्लेम एंड फिक्स इट थ्रू द फ्लेम. दिस इज थ्रू द फ्लेम, थ्री टाइम्स थ्रू द फ्लेम. ओवर द फ्लेम आप इसको ड्राई करें और थ्रू द फ्लेम आप उसको फिक्स करें. वंस द स्मियर इज फिक्स्ड देन यू कैन डू द ग्राम स्टेनिंग ऑन इट. क्या स्टेप्स हैं जी ग्राम स्टेनिंग? फर्स्ट वी विल ऐड अ डाई. उधर चले गए आवल पे. हमारी फजूल सी वीडियो. ठीक है, ये है जी हमारे ग्राम स्टेन के सारे केमिकल्स. सबसे पहले क्रिस्टल बॉयलर, द सेकंड वन इज आयोडीन, देन इज अल्कोहल एंड देन इज मीथाइल राइड और सेफ्रोलिन. ठीक है जी, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया ग्राम स्टेन. ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए. सबसे पहले स्लाइड के ऊपर, ठीक है, सबसे पहले वो स्लाइड जिस पर स्मियर बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या डालेंगे सबसे पहले? सबसे पहले एक मिनट के लिए उस पर क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं. इसको ऐसे ही ऊपर हाथ रख के भी डाल सकते हैं. नहीं नहीं आएगा मुझे. यार इसको ऐसे कभी नहीं पकड़ना. आपने इसको जब भी पकड़ना है एग्जाम में हमेशा ऐसे पकड़ना. अगर आप इसे ऊपर से पकड़ेंगे तो ये निकल जाएगा, सारा नीचे गिरेगा और टूटेगा. आपने इसे ऐसे रख के हमेशा इस तरह डालना. नहीं आता. ठीक है, नहीं आता, हीट करना पड़ेगा तो वो एक अलग बात है. ठीक है, सबसे पहले आप क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे, फिर उसके बाद आप डालेंगे आयोडीन. ठीक है जी, आयोडीन का क्या काम है? आयोडीन एक्ट्स एज अ मॉल्डेंट, मीन्स अ फिक्सेटर. आयोडीन अगर नहीं डालेंगे तो क्रिस्टल वॉयलेट फिक्स नहीं होगा. ठीक है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि अगर आयोडीन डालना आप भूल जाएंगे तो इवन पॉजिटिव भी रेड नजर आएंगे. फिर आप डीकलराइजेशन करते हैं हमेशा अल्कोहल से. ठीक है, अल्कोहल से आपने डीकलराइज कर लिया और उसके बाद आपने काउंटर स्टेन कर लिया विद मिथाइल राइड. तो होता क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो पर्पल नजर आते हैं और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो रेड नजर आते हैं. ठीक है, काफी हो गया.